लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में लोकसभा चुनाव हुए संपन्न, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के रहे बंदोबस्त। तेलंगाना राज्य गठन के बाद तेलंगाना में पहली बार लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल 2019 को संपन्न हुए। शहर में सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक मतदाताओं ने वोट देकर मतदान किया। शहर के नगर पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने बुधवार शाम को संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा करके मतदान केंद्रों के पास कानून व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन द्वारा संसदीय चुनाव के मद्देनजर शहर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के आवश्यक कड़े बंदोबस्त किए गए। जानकारी के अनुसार तेलंगाना के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव सम्पन्न हुए। राज्य भर में 34,603 मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की मदद के लिए हेल्प टीम भी मौजूद रही। बुजुर्ग अपंग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर सुविधा सभी मतदान केंद्रों पर की गई थी। तेलंगाना के हैदराबाद से वसंत कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, www.indialivenews.co.in। नमस्कार।